सभी जीवात्माओं के एकमात्र प्राणाधार परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटिन कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रेमी जनों, अब प्रातःकालीन दैनिक लघु सत्संग का समय हो गया है, आप सभी आ जाएं। जय लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी वार। बहुत दिनों की भूली समझ न पाई हूँ, बहुत दिनों की भूली समझ न पाई हूँ। भटकत भर मत द्वार तुम्हारे आई हूँ, भटकत भर मत द्वार तुम्हारे आई हूँ। मुझ दुखिया की दिन दशा पर काहे करियो वार, मुझ दुखिया की दिन दशा पर काहे करियो वार। ना जाने कब आएगी मेरी बार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। सुतदारा परिवार कुटुंबी, सुतदारा परिवार कुटुंबी, कोई न दिखे अपना संगी, कोई न दिखे अपना संगी। सुतदारा परिवार कुटुंबी, कोई न दिखे अपना संगी। सुतदारा परिवार कुटुंबी, कोई न दिखे अपना संगी। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे करते जो
झूठा प्यार बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे करते झूठा प्यार ना जाने कब आएगी मेरी बार ना जाने कब आएगी मेरी बार कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार ना जाने कब आएगी मेरी बार कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार ना जाने कब आएगी मेरी बार काम क्रोध मद लोभ लुटेरे क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे काल बलि की कठिन जेल से कैसे हो उद्धार काल बलि की कठिन जेल से कैसे हो उद्धार ना जाने कब आएगी मेरी बार ना जाने कब आएगी मेरी बार कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार ना जाने कब आएगी मेरी बार कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार ना जाने कब आएगी मेरी बार सतगुरु दया करी जो जग में आए हैं सतगुरु दया करी जो जग में आए हैं निज घर जाने का संदेश सुनाए हैं निज घर जाने का संदेश सुनाए हैं नाम दान की लूट मचा दी ऐसे हैं सरकार नाम दान की लूट मचा दी ऐसे हैं सरकार ना जाने कब आएगी मेरी बार ना जाने कब आएगी मेरी बार जाग जाग अब क्यों नहीं जागे जाग जाग अब क्यों नहीं जागे भाग्य जगा चरणों में लागे भाग्य जगा चरणों में लागे दासी खड़ी पड़ी चरणों में करती करुण पुकार 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 ना जाने कब आएगी मेरी बार ना जाने कब आएगी मेरी बार कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार ना जाने कब आएगी मेरी बार जय गुरुदेव
चलो चलो जल्दी चलो चलो प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो ताकि ये थे वचन तुम्हारी समझ में आ जाए। दया की दृष्टि सामने पड़ते तो तुम्हारे तमाम तरह के भ्रम और भूल और अटकलें खत्म होती। जितना ज्यादा सदगुरु से प्यार करोगे उतना ही मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा। मन को साफ करने का एक ही आधार है, अपने गुरु से प्रेम हो। जब प्रेम हो जाएगा तब सारी शंकाओं का समाधान हो जाए, क्योंकि प्रेम एक ऐसा रास्ता है जिसमें दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं होती। प्रेम गली या साकरी जामे दो न समान, शीश उतारे भुए धरे वो बैठे घर मारे। जो अपने असली घर को जाना चाहता है उसको ये रास्ता प्रेम का अपनाना पड़ता। प्रेम निश्चल हो, कोई स्वार्थ और लालच नहीं, केवल मालिक से मिलने का और अपने गुनाहों की माफी का, बस इतना ही तुम्हारे जीवन में पर्याप्त हो। लेकिन जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो तुमने संसार में किया है वो सांसारिक भोगों के लिए किया, जो तुम्हारे लिए नाशवान सिद्ध हुआ, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। आज हुआ कल छूट गया, शरीर का प्रेम तो नाशवान है, शरीर ही नाशवान है। ये बात समझ में जब आएगी जब संत महापुरुषों के करीब जाओगे और उनकी करीबी का लाभ उठाओगे, जब करीब जाके बच्चों को सुनोगे तो वचन तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे और तुम्हारे सारी गंदगी को निकाल के बाहर कर देंगे। क्योंकि प्रेम का अपना ये प्रभाव है, तो संसार में किया, संसार की वस्तुओं से किया वो तो सब नाशवान सिद्ध हुआ, कोई तुम्हारे काम नहीं आया। हाँ क्षणिक तो हो सकता है लेकिन मुस्तकिल नहीं। इसलिए सत्संग नित्य करो, हर पली हर घड़ी सत्संग के वचन आपको याद रहने चाहिए, तो कहीं तुम्हारा फंसाव नहीं। समझ जाओगे, चेत जाओगे, जाग जाओगे और धीरे से अपना काम बना लोगे। रहना तो संसार शरीर परिवार में ही है, लेकिन उसको अपने अंदर प्रवेश मत होने दो। जब तुम्हारे अंदर इसका प्रवेश नहीं होगा तो कभी मन में कोई गंदगी नहीं। गंदगी तो इसीलिए आती है कि हम समझते ये है वो है लेकिन है कुछ है। सब शून्य है, एक दिन ये शून्य में सब विलय हो जाएगा। इसके पहले हम शून्य तक कैसे पहुंचे, शून्य क्या है, शून्य किसे कहते हैं और शून्य में किस युक्ति से पहुंचा जाएगा। जैसे शून्य में लय हो जाओगे वैसे ये सब शून्य दिखाई देगा। जब तक ये शून्य नहीं दिखाई देगा तब तक यहां से हटना मुश्किल। इस यहाँ से हटने के लिए ही तो आपको ये वचन सुनाए जाते हैं कि रहो इसमें
अपना काम बनाने के लिए, लेकिन तुम ये भूल जाते हो अपना नहीं काम, लोग तुमसे अपना काम बना लेते और तुम रह जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी शून्य का ज्ञान नहीं है कि एक दिन सब ये शून्य में लय हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। और उसके पहले असली शून्य में लय होना सीख लो, तो फिर ये तो तुम्हारे लिए शून्य ही दिखाई देगा। रहोगे, काम करोगे, लेकिन फंसोगे। ये जानकारी जब हो जाएगी तब समझो आपके ऊपर वचनों ने प्रभाव डाल पाया। ऐसे तो कान सुनते रहते, सत्संग कितनी बार आपको बताया गया, सत्संग कानों का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय है। जब तक आप कानों का विषय बनाए रखो को भूलते रहोगे, और जहां तुमने इसको उतारना अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, बस वहीं से सत्संग काम करना शुरू कर देगा। तो सत्संग बच्चों को कानों का विषय बना के मत रखो, क्योंकि कान का सुना भूल जाओगे, आंख का देखा भी भूल सकते हो, लेकिन जो सब तुमने पकड़ लिया, जो चीज आपने पकड़ ली उसको भूलने का मतलब नहीं। अब क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, अभी तक यही नहीं समझ पाए। जो पकड़ना चाहिए उसको तो आपने पकड़ा नहीं, और जो नहीं पकड़ना चाहिए उसी को पकड़े बैठे हो। तो महापुरुषों ने कुछ वचन, इसके प्रति कोई वचन फरमाए हैं साधकों के लिए, वो जरा सुन लीजिए, उसकी जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। आज ये दयाल प्रातःकालीन दयाल बाग में लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रेमीजनों, ये सत्संग चर्चा, ये संत महापुरुषों के वचन बड़े सौभाग्य से मिलते। जब तुम्हारे जीवन का भाग जगने को होता है तब ऐसी घड़ी मिलती, और यदि भी घड़ी आपको अच्छे कर्मों से मिली, अच्छे कर्म कराने का मतलब था कि तुम महात्माओं के पास जाने लो, उनको पहचान लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आए, वो अपने लिए, अपने काम मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, जीवों के लिए आए, और जीवों का काम करने आए, और वो 24 घंटे काम करते, सोते जागते उठते बैठते, उनका काम जीवों के हित के लिए होता है, और सरल से सरल युक्ति जीवों के लिए बनाते सोचते रहते कि किसी तरह से इनका काम हो जाए, किसी तरह इनका काम हो जाए। कौन सा काम जो कभी नहीं हुआ, ये तो शरीर इंद्रियों के काम तो होते रहते, वो मिटते रहते, खत्म हो जाते, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जिस दिन उसके काम को समझ लोगे या उसके लिए करने लगोगे, उसी दिन तुमने सच्चा कर्म जाना, वास्तव में सच्चा कर्म क्या है। अभी तक उन लोग झूठे कर्मों में झूठे पड़े, क्योंकि सदियों से उनको मान्यता दे रखी और उनको सत्य मान लिया है, लेकिन यद्यपि यही फंसा और ये झूठ है,
इनकी कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए संत महापुरुषों ने आत्मिक कर्म के बारे में कहा कि शारीरिक कर्म तो आपने कर लिया, उसका अनुभव की मिला कुछ नहीं, जीवन चला गया। अब आत्मिक कर्म के बारे में सोचो, क्योंकि ये मानव जीवन आत्मिक कर्म के लिए ही मिला था कि हम लोग आत्मा का कर्म कर सकें, और ये किसी युग में नहीं बताया गया। लोगों ने शरीर इंद्रियों के कर्म बताए कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ स्नान गंगा, पर इसके अलावा और इसमें आत्मिक कोई कर्म नहीं। तो शरीर इंद्रियों से किया जाए वो शरीर इंद्रियों का कर्म है, और जो आत्मा से किया जाए वो आत्मा का कर्म। अब ये तो संत महापुरुषों की दया हुई, कलयुग में आए, उन्होंने आत्मिक कर्म लोगों को बताया कि भाई आत्मा का कर्म क्या, जबकि सत्य भी तो जानो कि आत्मा ही सत्य है, उसका नाश नहीं होता, उसको उसका तो मतलब यानी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन बताया नहीं किसी ने। तीन तीन युगों का इतिहास उठा के देखा गया तो सब शारीरिक कर्म में लगे रहे, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे योगी योगेश्वर हो, चाहे अवतारी शक्तियाँ हो, चाहे ज्ञानी विज्ञान, सबके इतिहास से पता चला कि ये सब शारीरिक कर्म तक सीमित है, इनको आत्मिक कर्म का ज्ञान, या यूं कहिए आत्मिक कर्म का ज्ञान कराने वाले गुरु नहीं आए थे। गुरु तो थे, लेकिन वो गुरु समाज और देश और शरीर, आत्मा के बारे में कुछ उन्होंने कहा ही नहीं, ऐसा मालूम देता है कि इनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं था, या इनको अधिकार नहीं था बताने खोलने का राज। तो ये कलयुग में राज करे, अच्छे युग में नहीं खुला, जब अच्छा युग था, अच्छी उम्र थी, अच्छी मन की ताकत थी, मतलब यानी अच्छा खान पान था, अच्छी संग सोबत थी, ये सब अच्छा था, लेकिन ये अच्छाई का लाभ दिलाने वाले अच्छे गुरु नहीं थे। तो गुरु माने ज्ञान होता, गुरु कोई शरीर नहीं आड़ मांस होता, गुरु का मतलब ही ज्ञान से। अब जैसा गुरु आया वैसा ज्ञान मिला, तो ऐसा मालूम देता कि इन युगों में आत्मिक गुरु कोई आया ही नहीं, क्योंकि आत्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं। लेकिन जब कलयुग में संत महापुरुष आए और गोस्वामी जी महाराज जो रामचरितमानस उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने ये सब भेद खोला है, वही कैसे कौन है क्या है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, और न मन है न बुद्धि न चित्त न शरीर अजर अमर अविनाशी, केवल आपके अंदर है तो आत्मा है, और उस आत्मा के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी किसी युग में नहीं रही, और यही सच्ची जानकारी है, यही सच्चित आनंद दिलाने वाली जानकारी, और इसी उस सच्चे मालिक से मिलाने वाली है। जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने ये जीवों पर दया की कि चलो इसको असली राज असली भेद बता दिया जाए, क्योंकि शरीर में जीवात्मा का ही खेल, वैसे सारी सृष्टि में उसी का खेल, ये सृष्टि में जो रौनक जो आपको दिखाई देती सुंदरता दिव्यता चेतनता और जीवन आत्मा के कारण, अगर आत्मा यहाँ से निकाल दो किसी शरीर से, वो शरीर तुरंत खत्म हो जाए, उसकी सारी क्रिया बंद हो जाती है और वो कुछ प्रयोग ही नहीं कर सकता। हम ये समझते हैं कि शरीर प्रयोग करता, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा नहीं भाई, शरीर नहीं प्रयोग करता है, शरीर आत्मा के कारण प्रयोग करता है, क्योंकि आत्मा में चेतनता है और चेतनता ही प्रयोग कर सकती है, शून्यता तो प्रयोग करेगी नहीं। हम हमें आपको इसी अभी तक नहीं बताया गया कि शरीर की चेतन शक्ति क्या है, कि जिसके कारण शरीर के सारे अंग
चलते फिरते काम करते, और यदि जीवात्मा निकल जाती तब क्यों काम नहीं करती? सब अपना काम करना बंद कर देते, वही भोजन वही सब कुछ दो फिर भी नहीं काम करते, फिर यह शरीर भोजन भी स्वीकार नहीं करता, कोई सामान का प्रयोग नहीं करता, प्रयोग करने वाली शक्ति खत्म हो गई, तब यह पता चला कि शरीर की असली शक्ति क्या है, कहते जीवात्मा। और जीवात्मा तो किसी ने देखा नहीं कैसी है भाई, क्योंकि उसका अनुभव किया जाता। जैसे ये आपकी आर्टिफिशियल जो शक्ति है बनावटी, जिससे आप बिजली कहते हो, लेकिन बिजली किसी ने देखी नहीं कैसी होती है, काली पीली नीली सफेद क्या आकार क्या कुछ दिखाई, देखने में बिल्कुल एकदम शून्य से भी कमजोर, लेकिन काम करने में इतनी शक्ति कि सबको जला के राख करती, लेकिन दिखाई नहीं। कहने का मतलब कि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, वो अरूप है। ऐसे आत्मा ये शक्ति है, इसका भी कोई रूप नहीं और किसी ने बताया नहीं। संत महापुरुषों ने अनुभव में देखा तो कहते बालू का कण है उससे भी छोटिया, जीवात्मा का आकार उससे भी छोटा बताया, और काम करने में इस सारी सृष्टि को चला रही और देखने में बहुत छोटी है। तो कहने का मतलब ये सब राज और रहस्य कितना गूढ़ है कि किसी की समझ में नहीं आया, और संत महापुरुषों ने समझा और देखा अनुभव किया, उन्होंने बताया कि उनकी बात किसी ने मानी नहीं, क्योंकि संसार ये भौतिक वस्तुओं को देख रहा, उसी को समझ रहा, उसी की जानकारी कर रहा, और संत महापुरुष आध्यात्मिक शक्ति को आपके सामने रखते, अगर तुम उस शक्ति को जान लो कि जो इस राष्ट्रीय शक्ति को चला रही, तो तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो जाओ, आत्मज्ञानी महाज्ञानी। आत्मज्ञानी सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उसको भौतिक ज्ञान की जरूरत नहीं, उसको पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता। पढ़ाई लिखाई करके आप भौतिक जगत को तो कुछ समझ सकते हैं, और लेकिन अध्यात्म में तो कुछ उसने नहीं दिया, और आपका जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए। अगर अध्यात्म से जुड़ लोगे तो असली लाभ प्राप्त कर लो, कि वास्तव में जीवन का असली लाभ क्या है, इसी आध्यात्मिक शक्ति को जानना, यानी आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करके इस आत्मा को इस जड़ शरीर से निकाल कर और चेतन देश में पहुंचाना, असली काम तो ये, और ये काम किसी ने बताया नहीं, तो इससे तो मालूम रहता, लोगों को मालूम नहीं था, मालूम होता तो किसी ने जरूर बताया होता। तपस्या करने वालों ने भी शरीर इंद्रियों को सुखाया गलाया, यानी मतलब उसको कष्ट दुख दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर का दोष क्या है भाई? जड़ का कोई दोष नहीं, जड़ तो जड़ है, दोष तो चेतन का होता, लेकिन शरीर को उन्होंने कष्ट दिया और इससे क्या हुआ? हाँ, मिला कुछ नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अरे भाई ये साधन का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वह ने गई परलोक समारा, ये साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का एक दरवाजा, बस असली चीज तो ये। कहते हैं कि साधनों का धाम, अगर साधन आप कोई खत्म कर दोगे तो व्यवस्था आपकी बिगड़ जाएगी, जैसे खेती करते हो और ट्रैक्टर ट्यूबवेल खत्म कर दो तो व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तो आपको साधन को संभाल के रखना, लेकिन ये किसी ने बताया नहीं, ये सब साधनों को खराब करने के पीछे पड़ गए। हजारों वर्ष कोई उल्टा टगा है, कोई सीधा टगा, कोई नंगा रह रहा,
यानी मतलब तरह तरह की शारीरिक साधना जिस जो मन को नहीं साध सकती। शारीरिक अगर शरीर को कष्ट दो तो मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपको समझना है कि मन क्या है, क्योंकि शरीर का कर्ता धर्ता है। अगर कर्ता धर्ता ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए, तो उस मन को तो ठीक किया नहीं, तन की कसौटी करने लगे, तन को परेशान करने लगे, इसको जंगल में भूखा रखेंगे, जंगल में रखेंगे, सर्दी में गर्मी से नहीं बचाएंगे, यानी तरह तरह की कष्ट, उसी कष्ट देने को इन्होंने साधना मान लिया। जबकि साधना का मतलब रोकना और साधना का मतलब पकड़ना, तो किसको पकड़ना किसको रोकना ये तो जाना नहीं, और ये शरीर को विचार को परेशान करने, इसको सुखा दिया गला दिया मतलब यानी भूख से प्यास से ये सब करके, अरे भाई इससे कोई परमात्मा थोड़ी मिल जाएगी। शरीर तो में जो जीवात्मा परमात्मा की है उस जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा से मिलाओ, हम तो यह श्री है। अब जीवात्मा को जगाने वाले जब तक कोई संत महात्मा नहीं मिले कि जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया हो और परमात्मा से मिलाया हो, और वो रोज दरबार के दरबार में रोज आते जाते रहे, उनका आना जाना न कोई देख सकता न कोई समझ सकता, वो रोज क्योंकि आत्मा जगी हुई, जब चाहे शरीर से निकाल कर घूम फिर के फिर आ जाएंगे, फिर उसी में प्रवेश कर लेंगे। और तुम ये उनका निकलना और घूमना फिरना जानना ये नहीं जान सकते, ये जलाने की चीज नहीं है, तो काम की जो जिनको काम करना है वो तरह तरह की युक्ति अपनाते हैं। जैसे आप अपने शरीर परिवार के लिए जो भी करना चाहते हो तरह तरह की युक्ति लगाते हो, उसमें दिमाग लगाते हो ये बन जाए ऐसे बन जाए वैसे बन जाए, उसी तरह से अगर जीवात्मा के बारे में कुछ समझ लो और मन को सुधारने की कोशिश करो, दो चीजें, जब मन ठीक हो जाएगा तो जीवात्मा का कार्य जिससे तुम भजन करते हो तो अपने आप होने लगे, भजन किया नहीं जाता भजन होता, जब तक आप करने में जोड़े हो तो कर्म तो इंद्रियों का हो गया, तब तक आपको उसका लाभ नहीं। भजन आठोयाम ये शब्द क्यों कहा है, भजन करो आठोयाम, आठोयाम कोई कर सकता जो हाँ कर सकती, अगर जवान पर नाम अंकित हो गया, जवान पर नाम चढ़ गया और जवान में लय हो गया तो तुम 24 घंटे वो अंदर 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 जाओ, इसी को अजपा जाते वो अंदर अंदर हो रहा शरीर से काम कर लो, शरीर अपना काम कर रहा और नाम अपना काम कर रहा। कहने का मतलब ये है जब सत्संगों में आओगे तो धीरे 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 हर तरफ का सत्संग आपको मिलने लगेगा, इधर का भी मिलेगा उधर का, क्योंकि इधर का मिलना जरूरी है, जब तक इधर फंसे रहोगे तब तक उधर जा नहीं पाओगे, अगर उधर जाना है तो इधर छोड़ना पड़ेगा, दोनों तो काम एक साथ नहीं हो सकते। अब छोड़ने में कष्ट होता है क्योंकि जिसको बहुत समय से पकड़े हो और अपना आधार भी बनाए हो जीवन का और सारी क्रियाएं उसी से तुम्हारी हो रही हैं और धीरे धीरे उसी के अनुसार तुम बन गए हो, अब एक बार की कह दिया जाए इसको छोड़ो तो आपको तकलीफ हो, लेकिन महापुरुष धीरे 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 सब छोड़ा देंगे, कभी एक महीने कभी दो महीने कभी दो दिन कभी 10 दिन इधर आपको मोड़ा तो धीरे 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 उधर का कम होने लगा, जितना इधर ज़्यादा मुड़ने लगोगे इधर ज़्यादा आने लगोगे सुनने लगोगे समझने लगोगे करने लगोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा लगाव उधर से खत्म, उधर से तुम्हें लगाव खत्म करना ही पड़ेगा। अगर इधर चलना चाहते हो इधर कुछ पाना चाहते हो तो फिर उधर का खेल खत्म हो जाए, और ये खत्म करना सबके बस की बात है,
ये दो जीव चाहता कि हमारा इधर भी होता रहे उधर भी, ऐसा हो नहीं चाहता, दोनों हो एक संग भुआलू और बिरसा फिरो बजावत गंग, दो काम एक साथ, कि संसार भी बना रहे, समाज भी बना रहे, परिवार भी बना रहे, गुरु भी बना रहे, ऐसा नहीं। अभी तो आपको अभ्यास कराया जा रहा, अभी कुछ दिया थोड़ी जा रहा, देने की बात तो जब लागू होगी, जब अभ्यास पूरा हो जाए, जैसे जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब आपको नौकरी मिलेगी, जैसे लिया उसी समय से तनख्वाह आपको मिलेगी, इस तरह तो अभ्यास है, इस अभ्यास में कुछ मिलता नहीं है, बल्कि अपने को समय देना पड़ता, जितना ज़्यादा समय हम इधर देंगे तो इधर समय में कटौती होगी और उधर बढ़ोतरी होगी। अभी तक हम यही नहीं समझ पाए कि कटौती और बढ़ोतरी क्या, जब तक इधर आप समय में कटौती नहीं करो, कभी दो मिनट बैठ गए, कभी दस मिनट बैठ गए, कभी बंदा इतना तो कर ही सकते, हाँ घंटों दो घंटों तुम्हारा मन नहीं रुक सकता, तीन मिनट दिन मिनट तो रुक सकता, अगर धीरे धीरे ये क्रिया आपने बढ़ानी शुरू कर दी कि चलो पाँच मिनट का समय देंगे, दस मिनट का समय देंगे और पंद्रह, तो एक तरह से आपके अंदर ये चिंता हो जाएगी कि हमको भजन करना है। देखो एक एक दो दो मिनट बैठने में आपका रूप बदल गया, मन का रूप बदल गया, भले कुछ न मिले दिखाई न दे लेकिन बैठने की आदत आपकी बन, यही बैठने की आदत धीरे धीरे आपको मिला दी, एक मिनट बैठे, दो मिनट बैठे, इतना तो वह हर व्यक्ति बैठ सकता, घंटे दो घंटे तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि तो इतना मन भी शांत नहीं है, मन कमजोर है, उधर सब शक्ति खराब कर चुका है, अब इधर लगाने में तकलीफ है, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए तो लग सकता है, यही एक एक दो दो दस दस मिनट तुम्हारा घंटों में बदल जाएगा, और ये भी घंटों वाला कई घंटों में बदल जाएगा, और धीरे 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 अनवरत भजन होने लगे, फिर आप ना भी करोगे, अभ्यास हो जाने पर वो अपने आप होता रहता, अपने अंदर अपने आप चलता रहता, नाम बराबर चलता रहता, जब नाम अंदर अपना स्थान बना लेगा तो नाम के आगे फिर कोई नहीं टिक सकता, वो 24 घंटे भजन, ये स्थिति होने पर ही तो कुछ कुछ समझ में आएगा, क्योंकि राज बड़ा गुण है, बड़ा रहस्यमय है, तो तुम्हारे अंदर ही, लेकिन वो अंदर वाले में कभी तुम गए ही नहीं, अपने अंतःकरण को कभी देखा नहीं, कभी आपने समझा नहीं, कभी वहाँ मन रुका ही नहीं है, कहीं दूसरी जगह से नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर से, वो चीज़ कहीं रखी नहीं है कि चलो कहीं से उठा के ले आ, तो तुम्हारे अंदर ही, अब तुम अपने अंदर जाना कब शुरू करो, दूसरे को तो कहते ये खराब वो खराब वो खराब, तुम्हारा मन उधर तो चला गया लेकिन अपने अंदर नहीं गया, भाई कितनी खराबी है, तो महापुरुषों ने इसके बारे में कुछ इशारा किया, उसे जरा सुन लीजिए तो आपको पता चल जाए भाई हमें सब कुछ का क्या, तो उन्होंने क्या कहा, यही है आदेश सबके, हमारे सबके लिए मुख्य आदेश क्या है जरा उसे सुन लीजिए, हिम्मत देख पर आए औगुण, मत देख पर आए औगुण, क्यों पाप कमाए छिन छिन, मत देख पर आए अवगुण, पाप कमाए छिन छिन, मत देख पर आए औगुण, क्यों पाप कमाए छिन छिन, मत देख पर आए औगुण, पाप कमाए छिन छिन, क्या कह रहे हैं तुम दूसरे को क्यों देखते, उसके देखने से तुम्हारा क्या काम बनेगा, तुम्हारा कौन सा काम देखने से बन जाएगा, बल्कि देखने में तुम्हारा मन खराब हो सकता, पहले से भी खराब है
और निरंतर खराबी देख देख के चढ़ाते रहते हो। तो समझा के कह रहे हैं भाई ये पाप तुम छिन छिन क्यों कमा रहे हो, पहले इतना कमा के बैठे हो कि वो तो खत्म हुआ नहीं और रोज कमाते रहते हो, तो ये कब खत्म होगा? और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई काम की शुरुआत नहीं होती, अच्छे काम की शुरुआत नहीं होगी। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, पर जीव सतावे किन किन, पर जीव सतावे किन किन, छोड़े अपने गुण किन किन, छोड़े अपने गुण किन किन, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप कमाए छिन छिन। कहते हैं कि क्यों जीव को सता रहा, अपने मन को बिगाड़ रहा, दूसरों को असंतुष्ट कर रहा। कहते हैं कि अपने अवगुणों को गिन गिन के निकालो, कितने हैं उनमें से कितने कम किए। अगर हर सत्संग में एक अवगुण निकालो, एक गुण उसमें शामिल करो, तो धीरे 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 तुमको इतने सत्संग मिलते इतने तो अवगुण तुम्हारे पास है, लेकिन तुम एक भी नहीं निकालते और चढ़ा लेते हो ये खराब हो खराब, ये ऐसा हो ऐसा। अरे भाई उसके खराब होने से तुम्हारा मतलब क्या है, वो खराब है तो उसका भोग करेगा, लेकिन तुम देखकर ही खराब हो जाते हो। वो तो करके खराब हुआ जिसको तुम देख रहे हो, लेकिन तुम तो बिना किए ही खराब हो गए। तो कहते हैं अपने अवगुणों को गिन गिन के निकालो, इसे पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए ये पहले तो लिखो एक दैनिक डायरी में कि हमारे पास कितने अवगुण, फिर उन पर निशान लगाओ कि मैंने कितने मतलब अवगुणों को निकाल बाहर किया, तो गुण ग्राही बन गए। लेकिन तुम अवगुण ग्राही बने हो, अवगुणों को सदा से करते रहे हो और आज भी कर रहे हो और करने की इच्छा भी तुम्हारी रहती, तो फिर तुम गुण कबर यानी मतलब शामिल करोगे, गुण ग्राही कबर। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को सुनिए तो समझ में सब आ जाए। मक्खी सम मत कर छिन भिन, मक्खी सम मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तू छिन छिन, नहीं खावे चोट तू छिन छिन, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप कमाए छिन छिन, क्यों पाप कमाए छिन छिन। कहते मक्खी के समान क्यों भिन भिन कर रहा, क्या इससे मिलेगा तुझको, तू गुणग्राही क्यों नहीं बनता। गुणों के अवगुणों को अपने अंदर बढ़ाओ और अवगुणों को घटाओ, तो ये अगर जिस दिन से जान जाओगे और करने लगोगे यही क्रिया सर्वोपरि, पाक साफ निर्मल पवित्र बनने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने अवगुणों को गिन गिन के बाहर करें एक एक को, और जब तक ये नहीं करोगे तब तक ऐसे ही बने रोगे रोग कर लेते, कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कुछ नहीं। ये सब चाहते हो तो अपने अंतःकरण को साफ करो, जब तक सफाई नहीं होगी, निर्मलता पवित्रता और चरित्रता नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आने जाने का मतलब वो आना जाना खत्म हो जाए, इस आने जाने से उस आने जाने को खत्म करो, तब तो यहाँ का आना जाना ठीक है आपका,
और आते रहे जाते रहे मतलब कुछ नहीं निकला। जैसे थे वैसे तो फिर आने जाने का मतलब क्या हुआ। ये सब करनी में उतारो तो उसका लाभ मिल जाएगा। महापुरुष करनी की बात करते हैं, कथनी बकनी की बात नहीं। आगे क्या करें, सेवा कर सुन सेवा कर सतगुरु सुन सेवा कर देखा कर सबको तू गुण देखा कर सबके तू गुण सुख मिले बहुत तोई पुन पुन सुख मिले तोई बहु पुन पुन मत देख पराए अवगुण मत देख पराए अवगुण क्यों पाप कमाए छिन छिन क्यों पाप कमाए छिन छिन। अगर देखना है तो लोगों के गुणों को देखो, लेना है तो अच्छी सीख को लो, वो सब चीज सुनना है तो अच्छे वचनों को सुनो जो तुम्हारे काम आने वाले, तुम्हारे मन को सुख शांति प्रदान करने वाले। कह रहे कि सुख मिले बहुत तोई पुन, अगर ऐसा तू करने लगेगा तो तुझको बार बार सुख ही मिलेगा, फिर दुख वहां नहीं जा सकता। जहां सब देखना अच्छा, सुनना अच्छा, समझना अच्छा, करना सोचना सब अच्छाई में बदल जाए, वहां पर सुख रहता। आगे क्या कहें, मैं कहूँ तो ही अब पुन पुन मैं कहूँ तो ही अब पुन पुन तू नाम बचन ले तुम सुन सुन तू नाम बचन ले सुन सुन तू मान बचन ले सुन सुन तू मान बचन ले सुन सुन कहते मेरा बचन सुनकर तुझे मान ले कि अब हमें क्या करना। जो किया हो तो उसका फल मिल ही रहा, जो पहले किया उससे कुछ काम नहीं बना और वही अब करते रहोगे तो काम बिगड़ता रहेगा। अब अपने बनने की सोचो कि बिगाड़ तो बहुत ही आया है, बनाओगे कम कि धीरे धीरे जीवन में जा रहा हूं। तुम बनने की शुरुआत कब करोगे, जब इनकी सबकी तरफ देखना बंद कर दो, अपने आप को देखना शुरू करो, दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दो, अपने बारे में सोचोगे तो धीरे 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 तुम अपना बनना शुरू कर दोगे। आगे क्या कह रहे, कि गति पाई मैं ये हंसन 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 क्यों वर्ण सुनाई संतन क्यों वर्ण सुनाई संतन यह वर्ण सुनाई संतन यह वर्ण सुनाई संतन मत देख पराए अवगुण मत देख पराए अवगुण क्यों पाप कमाए छिन छिन क्यों पाप कमाए छिन छिन। मैंने ये सदगति संतों से पाई, संत महात्माओं से मिलेगी, क्योंकि वो इस गति को जानते हैं और सब गति सबकी दुर्गति को खत्म करने की युक्ति बताते हैं। आज वो मिल जाएंगे, तुम उनको अपना बना लो, तुम्हारे बन जाए तो बस ये काम आपका शुरू हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, एक तू मान बचन मेरा सुन। कहते हैं मेरा तू बचन मान ले, सुन जो सुन रहा है उस सुनने को अपने में उतारने का रूप बना के बदलो, उतारने की कोशिश करो। सुना तो आपने लेकिन वो कानों तक सीमित मत रखो, उसके पुंज को अपने मन को पकड़ाओ, जो वचन सुनते जाओ मन को पकड़ाते जाओ, क्योंकि तुम्हें और कुछ सुधारना नहीं, अपने बिगड़े मन को ठीक करो और ये ठीक हो गया तो सब ठीक।
शरीर इंद्रियों के बारे में तो आप बहुत कुछ जान गए, उनको तो पाक साफ निर्मल बनाने के लिए साबुन आदि का प्रयोग करते ही हो, लेकिन कभी मन को, मन का मैल धोने के लिए कोई कभी सोच कोई विचार किया आपने कि मन का मैल कैसे धुलेगा? वहां तो कोई पानी जा नहीं सकता, वहां कोई आबुन साबुन केमिकल नहीं, कुछ नहीं जा सकता, और गंदा मन है। और कहा जब तक मन नहीं पाक साफ निर्मल होगा तब तक आपको कोई चीज उधर की मिलेगी नहीं। निर्मल मन जन सो मुई पामे, बड़े साथ शब्दों में कहा, अरे अगर हमको पाना है तो अपने मन को निर्मल बना, तन को नहीं मन को। और तो तन को रगड़ते साफ करते रहते, और जिस पर गंदगी चढ़ी उसके बारे में कुछ करते ही नहीं, और गंदगी चढ़ाते रहते इसका उसका ले लेते हो। तो समझा क्या रहे, उसे आप पहले पकड़ो। अब कान धरो इन बचनन, अब कान धरो इन बचनन, अब काम धरो इन बचनन, अब कान धरो इन बचनन, नहीं रो नहीं रोगे सिर धुन धुन, 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 मत देख पराए अवगुण, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप कमाए छिन छिन, क्यों पाप कमाए छिन छिन। जो कानों से सुनते हो उन संत बच्चों को मन को पकड़ाओ। सत्संग मन के लिए होता, तन के लिए नहीं, मन के लिए। क्योंकि जो बिगड़ा है उसी को ठीक करना, जो गंदा है उसी को धोना है, आप जो फंसा है उसी को निकालना है। ये सब बातें आप जिस दिन समझ जाओगे उसी दिन सत्संग का असर तुम्हारे पर माना जाएगा। देखो आगे क्या कह रहे, ये बात कही मैं चुन चुन, 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 मेरे सतगुरु वचन मान तुम, सतगुरु वचन मान तुम, फिर सतगुरु चरण लगा मन, फिर सतगुरु चरण लगा मन, मत देख पराए अवगुण, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए छिन छिन, क्यों पाप बढ़ाए छिन छिन। ये बात मैंने चुन चुन के कह रहे, संत कह रहे ये बात मैंने चुन चुन के रखी कि जीवों को क्या दिया जाए, इनको क्या सुनाया जाए जो सुनने से इनका मन ठीक हो जाए, क्या कराया जाए करने से ठीक हो जाए, क्या इसको दिलाया जाए तो उससे ठीक हो जाए, पा जाए लेकिन फंसे ना उसमें, इनको किस तरह से। कहते हैं सद्गुरु स्वामी चरण लाग, जब उनके चरणों में तुम्हारा मन लग जाएगा तब कहते धीरे धीरे जहां जहां लगाओ तुमने बना रखा है, चाहे गलत का हो चाहे सही का हो, सबका कोई सब खत्म, जितनी ज्यादा चरणों से प्रीत होगी उतना ही आपका मन साफ हो जाए, और इधर का मन का लगाव धीरे धीरे खत्म हो जाए। इधर बढ़ाओ इधर घटाओ, ना तुम घटाते हो ना बढ़ाते हो, फिर करने का मतलब क्या, फिर सत्संग सुनने का क्या मतलब। अरे कोई कथा वार्ता थोड़ी है, जो सुन ली और कथा वार्ता तो आप मिनटों में याद कर लेते, कोई कथा सुनाई गई फट से याद होती, लेकिन ये वचन क्यों नहीं याद होती जो तुम्हारे जीवन को एक नया रास्ता देने वाला, एक तरह से नया जीवन बनाने वाला। ये तो जीवन जो माँ बाप से शरीर मिल गया हो तो आप लगा रहे हो संसार में, शरीर में, भोगों में, लेकिन जो गुरु के यहाँ नामदान मिला एक नया जीवन था, इस जीवन में आपने क्या किया,
उस जीवन तो समझ रहे हो जो कर रहे हो, लेकिन ये नया जीवन जो गुरु के यहाँ आपको मिला, उस जीवन में आपने कोई अच्छा किया है, कोई अच्छा सोचा किसी के प्रति, और बन सके तो लोगों की भलाई करो, लोगों की भलाई करो, लोगों को अच्छे काम की तरफ ले चलो, उसमें तुम्हारा भी लाभ होगा और वो पहुंच जाएगा उसका भी, दोनों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन अब ये तो काम करते ही नहीं, यही परमार्थ है कि खुद बनो औरों को बनाओ, खुद जानो औरों को जानो, और खुद पहुंचो जीवों को पहुंचाओ। असली कर्म तो यही है, और इसीलिए आपको प्रचार प्रसार में लाया जाता। प्रचार का मतलब है कि आपने कोई चीज मानी है तो दूसरों को कैसे मनाओगे, आपने किया है तो दूसरों को कैसे कराओगे, कैसे उनको सिखाओगे। तो पहले तुम कर लो तभी तो सिखाओ, जब तुमने किसी काम को किया ही नहीं तो उसके बारे में दूसरों को क्या बताओ। इसीलिए ये सब व्यवस्था बिगड़ गई कि आपने गुरु दरबार में जाकर ना गुरु को पहचाना, ना उनके वचनों को पहचाना, ना उनके काम करने की भूमिका को आपने जाना। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो गुरु दरबार में जाने का मतलब क्या हुआ, और गुरु दरबार का लाभ तुम दूसरों को कैसे दे पाओ। बिगाड़ तो इस कारण हुआ, तो जब तक लोग वचनों को पाने मानेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं। दूसरों को सुनाने के लिए वचन नहीं है, अगर तुम्हारे कानों ने सुन लिया और सुन करके मन को समझा दिया तब तो तुम दूसरों को समझा सकते, अगर तुमने अपने मन को समझाया नहीं है तो सुनाकर तुम किसी को समझा नहीं सकते हो, तुम्हारा प्रभाव असर किसी पर नहीं पड़ेगा। वो तो जो जागते हैं वो जगा सकते हैं, या सोने वाला जगा सकते हैं। अरे भाई, अगर 1000 आदमी सो रहे और एक जगने वाला हजारों को जगा सकता है, लेकिन 1000 सोने वाले एक को नहीं जगा। संख्या से कोई काम नहीं होगा, संख्या तो गिनती बहुत बड़ी है, आपने देखा मथुरा में कितनी बड़ी संख्या थी, लेकिन उस संख्या से मिला क्या, कोई लाभ नहीं मिला, सब शंका में रहे। शंका के सिवा कुछ हाथ में लगा ही नहीं, और शंका की उसमें जिसके पास जाते थे गुरु में, उनमें शंका, उनके वचनों में शंका, उनके काम में शंका, उनकी व्यवस्था में शंका, और शंका विनाश का कारण है। शंका से मिलने वाला कुछ नहीं, ये ऐसा रोग है तुम्हारे शरीर में जो मन को खराब कर देता, और मन खराब हो गया तो तन पहले खराब हो गया, क्योंकि तन मन के साथ लगा हुआ, और बगैर मन के तन कुछ कर नहीं सकता, और मन ही तन से काम ले रहा। अब वो कैसे काम ले रहा है, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी इंद्रियों से, इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। इसीलिए जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने तुमको हिदायत दी, आदेश दिया कि मन के कहे चलो मत कोई। अगर उन्होंने मन को समझाना होता तो ये कैसे कहते इसका कहना मत मान, क्योंकि हम लोग 3-3 युगों से उसी का कहना मान रहे, और आज संत महापुरुष कहते इसका कहना मत मानो, तो बात क्या है, कहा इसी ने तुम्हारा नुकसान किया, ये नुकसान इसी ने किया, तो इसलिए मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई, अब वो करो जो सतगुरु तुम्हारे सत्कर्म को कराने के लिए आए। ये इंद्रियों वाले झूठे कर्म, शरीर से जो भी है सब झूठे कर्म, जो शरीर ही झूठा है वही नाशवान एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसका किया हुआ कर्म भी समाप्त हो जाएगा। लिहाजा आत्मिक कर्म, आत्मिक कर्म को भजन कहते, ये भजन आत्मिक कर्म, क्योंकि भजन करने से यहां कुछ नहीं, यहां का सामान नहीं मिलेगा, जब तुम धोते भजन करेंगे राजपाट धन दौलत मिल जाएगा, जो आपको निकालने आया है वो फंसाने का सामान कभी नहीं, अगर फंसाने का नहीं देगा तो निकाल नहीं पाएगा। तो कहा था इतना तो तुमको मिलता रहेगा, कि मतलब
तुमको भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा कोई काम शारीरिक पारिवारिक वो रुकेगा नहीं, कहीं से करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन तो करते रहो। जब तुम भजन करते रहोगे तो ये काम तुम्हारा सब हो जाएगा, सब काम तुम्हारा पूरा। लेकिन वो एक काम आप करते हो, एक ही काम, कहा तुम एक काम करो भजन, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेंगे, सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन भजन तो करो, तो भजन कोई नहीं करता। अरे माला माला घुमाना भजन नहीं है, मन को, माला का मतलब मन को घुमाओ, उधर भोगों से हटा के इधर नाम योग में लगाओ, मतलब तो माला का ही है। जैसे माला घूमती है ऐसे तुम्हारा मन घूम रहा संसार में, भोगों में, विषयों में, मान में, सम्मान में, काम करो लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष में सब मन विचरण कर रहा। तो इसको वहां से हटा करके माला में ला, और एक एक दाना बगैर नाम के निकल देना। जो भी दाना पकड़ो वो नाम निकले, जो भी दाना पकड़ो नाम निकले, तब आपकी सच्ची माला, सच्चा सुमरन इसी को कहते। और बीच में अगर बोल गए तो खंडित हो गया, तो खंडित सुमरन का लाभ नहीं मिलता। इसलिए इस मन से कहो कि अब तू भजन कर, तू नाम को यानी मतलब समझ ले, सीख ले, और नाम का उच्चारण तू करे। जब मन को नाम के उच्चारण में लगा दोगे तो इसको तो काम चाहिए, काम आपने दे दिया, अब एकदम इधर जाना बंद कर देगा, ना इधर का जाएगा, ना सोचेगा, कुछ नहीं, केवल उसी में लग जाएगा। लेकिन इसको अभ्यास कैसे करें? जब हमेशा काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, जब ये क्रिया अपना लोगे तो ये मन धीरे धीरे उसी नाम में रम जाएगा, और नाम अगर इसमें रम गया तो बस वो नाम इसे मिला देगा। नामी अनामी से मिलने का यही साधन, दूसरा कोई रास्ता नहीं, ये तो सोचना चाहिए। लेकिन आप सोते नहीं, और महापुरुष कहते भाई बहुत होशियार रहिए, क्योंकि देश तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारी व्यवस्था नहीं, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, और काम का फंसे पड़े है, कुछ नहीं फिर भी फंसे। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब तुम्हारा कुछ नहीं तब फंसे, अगर होता तब तुम क्या करते, तो कभी निकले नहीं पाते। तो कहते अरे भाई ये मन, तू तो मुसाफिर है, और मुसाफिर होकर तू यहाँ फंसा क्यों है? मुसाफिर तो आज यहाँ कल वहां परसों वहां, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई घर मकान नहीं, उसकी कोई वस्तु यहाँ नहीं, उसको कहते मुसाफिर। तो संत महापुरुषों ने इस मन को मुसाफिर कहा, और कहा रे मन ऐ मुसाफिर, तू दूसरे के देश में है, काल माया के देश, तो दूसरे के देश में होशियारी से रहो, पता नहीं कब वो क्या करने लगे, कहाँ तुमको लगा दे जो तुम निकली ना पाओ। लेकिन अभी तक आपने ये माना ही नहीं कि ये देश हमारा नहीं, ये घर हमारा नहीं, यहाँ का सामान कोई हमारा नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं, क्योंकि ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ये भी धोखा दे देगा, बिना बताए चला जाएगा। ये सब चीजें जब समझ में आने लगेंगी, बैठ के सोचने लगोगे, तब आपको इधर नफरत हो जाएगी, और जैसे नफरत हुई तो छुटकारा हो गया। मन को नफरत कराना इधर से, जो ये जिसमें अपना प्रेम जता रहा है, अपना लगाव बता रहा कि बगैर इसके रह नहीं सकते, तो इसको अगर तुम नफरत सिखा दो और नफरत करना सीख जाए, फिर निकलने में देरी नहीं लगे। तो धीरे 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 हमें मन को नफरत कराना इससे, जहाँ ये फंसा हुआ। अब नफरत कहते बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, कहा बिना गुरु की दया से तो आप बच ही नहीं सकते। अब गुरु के बिना काम नहीं होना, क्योंकि काम हमें मालूम नहीं है, और काम कराने वाला गुरु ही है, अच्छे और बुरे सबकी बात बताने वाला
और सबको बताकर सबसे निकालने वाला, वो तुमको अच्छाई से भी यानी बचाएगा बुराई से, क्योंकि ये बीमारी दोनों है, कष्ट दोनों से मिलेगी। शुभ कर्म करोगे तब भी आप फंस जाओ तो और ज्यादा फंस जाओ, ये सब फंसाने वाले कर्म है। अच्छा करोगे तो अच्छे में फंस गए और बुरा किया तो बुरे में फंस गए। अब दोनों फंसना है, इन दोनों से निकलना है, दोनों से निकलना जीव के बस की बात नहीं है। तब कहा कि ये काम गुरु करेगा, सुख दुख नदिया पार उतरना। कहा सुख और दुख की जो नदी बह रही इसे भी तुम गोते लगा रहे हो, लेकिन ये दोनों तुम्हारे लिए हानिकारक और दोनों फंसाने वाले और दोनों यहाँ से निकलने नहीं देंगे। अगर पाप छूट गया तो तुम पुण्य में फंस गए। महापुरुषों ने कहा अरे पाप तो पाप है ही, लेकिन पुण्य पाप का बाप है जिसको तुम कभी छोड़ ही नहीं पाओगे, तो तुमको तो दोनों से छुटकारा। पाप पुण्य जब दो ना से वो हमारे पूर्वासी, कहा वो मेरे परम धाम को जा सकता है जो पाप पुण्य दोनों से छुटकारा पा जाए। तो पाप तो आप छोड़ दोगे लेकिन पुण्य नहीं छोड़ोगे। पहली बात पाप के आदि है, लोग उसी को नहीं छोड़ पा रहे, उसी को पाप वो मानते ही नहीं। तो कहते हमारा कर्म हमारा धर्म है, अब बेचारे वो कर्म धर्म की परिभाषा नहीं जानते, तो बुरे को भी कर्म कहते और अच्छे को भी कर्म कहते। कर्म तो दोनों है लेकिन दोनों कर्मों में अंतर कितना है, बुरे कर्म की सजा और अच्छे कर्म का लाभ, लेकिन दोनों में फंसाने वाले दोनों हैं। तुम बुरे कर्मों में भी फंस सकते हो तो हानि उठाओगे, और अच्छे कर्मों में फंस के लाभ पाओगे, लेकिन लाभ हानि दोनों यहीं पर, तो इन दोनों को पाकर आप अपने घर नहीं जा सकते। चाहे जितना कोई लाभ दे दे, जितना लाभ देंगे जितना मुनाफा और जितना धन और जितना संचय उतना ज्यादा फंस गया, ये तो और फंसने का साधन मिल गया, लेकिन तुम्हारा मन खुश हो जाता, हर बड़ी मुनाफा हो गया, इतना लाभ मिल गया, इतना ही मिल गया। अरे मिल गया कि तुम्हारा मन बिगड़ गया, तुम्हारा मन फंस गया। मिला कहाँ? मिलना तो वो है जो तुम्हें अच्छाई सच्चाई की तरफ पहुंचा दे, बुराइयों से हटा दे, लेकिन यहां तो जो भी करोगे वो सब फंसने वाला। हाथ पैर नाक कान मुंह उदांद्री जो भी है आप करोगे तो उससे फंसेंगे, और उसी से आप फंसे पड़े हो लेकिन महसूस नहीं कर रहे हो कि हम फंसे। जिस दिन जान जाओगे हम फंसे हैं तो आप फौरन निकलने की कोशिश करो। तो ये सत्संग से आपको फंसाव और अलगाव दोनों बताया, तुम कैसे फंसे हो अब कैसे निकालोगे, किसने फंसाया और कौन निकालेगा, ये दोनों जानकारी जब तुम्हारे पास हो जाएंगी तब तुम यहाँ से निकलोगे, ऐसे जाने वाले नहीं। तो कहते भाई बड़ी होशियारी से रहना, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब झूठा है। तो कहा कि बहुत होशियार से रहना, तुम एक मुसाफिर हो, तुम यहाँ के बासिंदा नहीं हो, यहाँ के निवासी नहीं हो, ये तो तुम्हारा घर ही नहीं। तो धीरे धीरे महापुरुष क्या कहते कि मुसाफिर तुम रे ना होशियार, 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 ठगो ने आन बिछाया जाल, ठगोने आल बिछाया जाल, ठगोने आन बिछाया जाल, ठगोने आल बिछाया जाल। वो कितना सचेत करते संत महापुरुष, अरे मुसाफिर बहुत होशियारी के साथ रहना, क्योंकि फंसाने के लिए ठगों ने जाल बनाया, जो पांच ठग तेरे पीछे लगे हैं
वो तुम्हें फंसाने का जाल बनाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार, ये पांच ठग, और इन पांचों ठगों ने सबको रोक रखा, किसी को यहां से निकलने नहीं दिया, न ऋषि मुनियों को, न योगियों को, न महर्षियों को, न ब्रह्मचारियों को, न मतलब यानी अवतार शक्ति। जब वो नहीं निकल पाए तो तुम कैसे निकल, तुम तो बहुत ही कमजोर हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब खो बैठे, तुम तो खाली बैठे हो, तुम कैसे निकलोगे। देखो समझा के क्या कह रहे हैं कि अकेले मत जाना इस राह, 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 गुरु बिन नहीं हो गा निर्वाह, 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 मुसाफिर तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम रे ना होशियार, कहते अकेले मत जाना। अकेले का मतलब जब जब यहाँ आए हो तो अकेले ही आए, और अकेले आए तो सबने तुम्हें फंसा लिया, अकेला कमजोर देखकर तुम्हें फंसा लिया। कहते अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु के बिना यहां तुम्हारा गुजारा और छुटकारा कोई करा ही नहीं सकता, बिना गुरु के एक कदम भी आगे मत देना, क्योंकि काल माया का देश, उसका उद्देश्य है फंसाने का, उसका उद्देश्य निकालने का नहीं है, और तरह तरह के सामान देके आपको फंसा लिया, और तुमने समझा कि हमारी व्यवस्था कर रहा, हमारा सहयोग कर रहा है, लेकिन वो फंसाने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी। तो शरीर में का पहले तो शरीर में फंसते, फिर शरीर के इंद्रियों में, फिर इधर परिवार समाज में, फिर पत्नी बाल बच्चों में, इनमें और उनमें धीरे धीरे इनमें बसे, फिर सामानों में बसे, और सामान में फिर अच्छा बुरा उनमें आप फंस गए, और धीरे धीरे उस सामान को संचय करने लगे और ज्यादा फंस गए। कहने का मतलब फंसने की सिवा और तुमने यहाँ कुछ सीखा ही नहीं, और उसी को तुमने अच्छा मान लिया कि हमारे पास बहुत सामान है, हम धनीमानी है, हम सबसे अच्छे हैं, यही तुम्हारी भूल है, तुम यहाँ अपने को धनीमानी कहते, लेकिन ये धनीमानी बनना तुम्हारा सार्थक नहीं होगा। जब चलोगे तो नंगे, तो धनीमानी कहाँ चलेगी, सामान कहाँ चला गया, कपड़े लत्ते कहाँ चले गए, अरे कुछ भी तो नहीं साथ में गया, बिल्कुल नंगा अकेला, तब समझ में आया अरे धनी मानी मानी कुछ नहीं, यही सबसे बड़ा फसाव लगाव था, और यही इसी बात को हम समझ नहीं पाए, और अपना समझ कर हम सामान इकट्ठा करते रहे, अपने रहने के लिए तो मुश्किल रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे तो बड़े बड़े मकानों एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बनाने लगे, और ये पता नहीं था कि तुम एक दिन रहोगे नहीं, एक दिन ये मकान खाली पड़ा रहे, एक दिन ये सामान ही पड़ा रहेगा जो तुमने इकट्ठा किया, और सारा जीवन इसी सामान के इकट्ठे में लगा दिए, और अंत में सामान भी यही पड़ा। कहने का मतलब तुम्हारे साथ कुछ गया ही नहीं, तुमने अपने साथ जाने वाला सामान तैयार किया ही और न किसी से पूछा, जबकि रोज देख रहे हो परिवार में समाज में सब देख रहे हो कितने लोग रोज जा रहे हैं, सब खाली जा, कुछ नहीं जा, तो बड़ा लड़ाई झगड़ा किया, बड़ी बेईमानी करके जमीन बनाई, मकान बनाया, दुकानें बनाई,
को मिला कुछ, तो चला गया। अब जो बेईमानी से किया वो तो कर बाकी नहीं गया, शरीर तो चला, सामान भी छूट गया जिसके लिए बुरा कर्म किया, और बुरा कर्म की सजा बाकी नहीं गया, तो इसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। उस बुरे कर्म की सजा पाने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, अच्छे कर्म की अदायगी के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने चलते समय अपने प्रिय मित्र उद्धव से कहा, जब उद्धव ने कहा महाराज आप पे तुम अपने परमधाम जाएंगे, क्या तुम्हारा घर और कहीं है, हम तो समझते सिद्वारिका में। अरे कहा नहीं भाई, ये तो शरीर रहने का मकान है, जब तक शरीर जिंदा रहेगा ये मकान में रहेगा, इसके बाद न शरीर न मकान, तो खत्म हो जाएगा। कहा उद्धव तो कहते हमको भी ले चलो अपने देर, जब ये बात है आप बता ही रहे हो तो हमको ले चलिए। कहा भाई हमको ये अधिकार नहीं, ले जाने का अधिकार नहीं है, हम युक्ति बता सकते कि जाओ उद्धव बद्रिकाश्रम तब करो जब कभी सोतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष आएंगे और नाम की बख्शीश करेंगे, और नाम जीवात्मा का आधार है, उससे जीवात्मा पकड़ के जा सकती, और कोई आधार यहाँ नहीं है, इसलिए पाप पुण्य जब तो नाशे का उद्धव वो हमारे भी परम धाम गोलोक वो जा सकता जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा। जब बीच के लोग इनका दो बीच में लोग है और तुम्हारी जीवात्मा ऊपर के लोग किया नहीं, अब वहां जब बीच के लोग में जाने के लिए पाप पुण्य छोड़ना पड़ेगा तब पहुंचोगे, तो ऊपर अदली धाम जाने के लिए तो पाप पुण्य जा ही नहीं सकते, ये तो सब पहले आपको छोड़ना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष असली देश को पहुंचाने के लिए आए हैं, इसलिए पाप पुण्य तुम्हारा यहीं पर छोड़वा देंगे, सबका भेद बता करके और सबका स्वाद चखा करके और तुम्हारा छुटकारा दिला दे। जब तुम जान जाओगे कि इसका स्वाद क्या, इसका स्वाद क्या, इसका स्वाद, तब आपका मन भर जाएगा कि चलो देख के लिए आठाओगे, तब ये छोड़ दे। इसे वो तो एक सेकंड में आपको निकाल, लेकिन ये तुम्हारी इच्छाएं तमाम अभी रह जाएंगी, ये नहीं कर पाया ये नहीं। अगर कहा जाए चलो भाई चलो अपने घर चलो समय हो गया, तो सब यही कह रहे रहे अभी कहा, अभी तो बाल बच्चों की शादी ब्याह करना है, मकान बनाना है, ये काम करना, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। सन 86 में जो आवाज लगाई गई थी, धाम अपने चलो भाई पराए धाम निकलो, काम करो अपना भाई पराए काम क्यों फंसना, आ चलो अपने घर चलो समय आ गया, और बेड़ा भी लगा दिया चलो बैठो चलो, तो कहा कोई तैयार नहीं, कोई नहीं जाने के तैयार हुआ, सब यहीं रहने के लिए, और यहाँ और अच्छे साधन यानी और अच्छा फसाव, साधन का मतलब जितना ज्यादा साधन उतना ज्यादा फसाव, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा चिंता, ये तो आपको व्याप्त हो जाएगी। इसलिए काम चलाओ काम, जब मुसाफिर हो उसी तरह से अपने काम, यहाँ मुस्तकिल मुकाम कुछ, ये तो जीवों के लिए बनाया जा रहा, जीव आएंगे रहेंगे चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर रहेंगे चले जाएंगे, फिर आएंगे रहेंगे चले जाएंगे, ये उनका आधार, ये मेरा आधार नहीं, मैं कोई रहने के लिए नहीं बनाया और ना अपने लिए कुछ बनाया, अगर अपने लिए बनाऊंगा फिर तुमको कैसे छुटकारा दिलाऊंगा, तुमको कह रहे अपने तो बहुत बना के रखा और हमसे कहते जो छोड़ दो। इसलिए पहले छुटकारा दिलाने के लिए पाकसा व्यवस्था बनाई है, आप देख रहे हो कितनी व्यवस्था है, और रोज बनती चली जा रही, और सब तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तो तुम्हारे नाम करवा दू अपने नाम, क्योंकि हमको तो रहना नहीं है भाई, तुम्हारी इच्छा रहने की है तो तुम्हारे लिए बना देता रहो आप, तब यहाँ उबोगे तो फिर तुम कहोगे अरे ठीक नहीं ठीक नहीं, ये जरा करके देख लो, ये हम कब मना करते करके देख लीजिए, लेकिन पहले जिन लोगों ने किया उन्होंने आपको बता दिया, किसमें कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कोई तुम्हारा नहीं,
और किसी को अपना मत समझना, इनका भला इनका कल्याण ये अपना समझ, ये तुम्हारा अपना कर्म है, बाकी तुम्हारा अपने लिए तुम्हारा कोई कर्म नहीं। लेकिन ये बात समझना बहुत बड़ी बात है, इंसान कहे नहीं अपने लिए नहीं, यहाँ सब अपने लिए जुटे पड़े, अपने लिए मकान, अपने लिए जमीन, अपने लिए बच्चे, अपने लिए सामान, ये सब इसी में जुटे पड़े, तो ये संतों की बात कैसे एक बार की मान लेंगे कि नहीं नहीं यहाँ कुछ भी है। सत्संग बच्चों को सुनाते सुनाते तुम्हारे मन को बदल देंगे, तुम्हारे मन को घुमा देंगे और तुम्हारे मन को अच्छाई सच्चाई में लगा देंगे। यहाँ की अच्छाई सच्चाई भलाई नहीं, फिर तुम्हारा मन जीवों के लिए सोचने, अभी तुम केवल अपने लिए सोच रहे, तभी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या हो रही। जब ये तिथि सोचोगे नहीं अरे सब अपने और सबको घर चलना है, तो किससे राग द्वेष करोगे, किससे तुम्हारा बैर भाव रहेगा, सब अपने हो। तो कहते हैं भाई ये सब गैर नहीं सब अपने हैं, ये भाव सबों में भरना है, यही भाव भरना कि सब अपने, सारी जीवात्माएं अपने। अगर किसी से राग द्वेष कर रहे हो, मार पीट रहे हो, जब जीवात्मा वहां जाएगी तो कहेगी तुमने, मैं भी शरीर में थी तुम भी शरीर में थे, तुमने हमको बहुत पीटा था, बहुत परेशान किया था, तुम्हें आप क्या जवाब दोगे। वहां तो एक ही जगह रहना, एक ही मंडल है जिसमें सारी असंख्यों करोड़ों जीवात्मा सम्मिलित, जिनकी कोई गणना गिनती नहीं, क्योंकि जीवात्मा कोई आकार तो है नहीं जो वहां नहीं मतलब यानी आ पाएगी, शरीर बड़ा है लंबा है चौड़ा है जगह ज्यादा घेरेगी तो उसका तो कोई मतलब मिसाल याद से नहीं दे पाया, तो खचा देती। संत महापुरुषों ने बताया कि जीवात्माओं का वो लोक है, अपने लोक में खचा खचभरी पड़ी, अब खचा खच वहां कैसे रहती होंगी, यहाँ तो शरीरों में तुम झगड़ा करते हो, तुम एक दूसरे से बैर भाव ईर्ष्या रखते हो, लेकिन जब जीवात्मा इस शरीर से निकलकर वहां जाएगी तो वहां तो एक ही जगह रहना, तो वहां एक ही जगह रहना है तो यहाँ एकता प्रेम क्यों खराब, इसलिए यहाँ पर संगठन बनाया जय गुरुदेव, आध्यात्मिक संगठन, दूरदर्शी यानी भौतिक संगठन, ये सब आपके लिए बना के तैयार किए गए कि संगठन से तुम संगठित हो जाओगे और संगठन से तुम्हारा काम बन जाएगा तो तुम्हारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। ये तो बाहर की चिंता खत्म करने का विषय है। संतों संतों के यहाँ दोनों तरह का मसाला, भौतिक जगत का भी है और आध्यात्मिक जगत का भी। भौतिक जगत में आपको अगर दूरदर्शी व्यवस्था लागू हो जाए तो सब वजन करने लगे, सब, कोई ऐसा नहीं जो वजन नहीं करे, क्यों, जब व्यवस्था ठीक होगी तो आपकी चिंता कर दो, और ठीक का मतलब सुरक्षा, और कोई किसी के अंदर चोरी का भाव नहीं, उठाने का भाव नहीं, यानी किसी तरह का गलत भाव ही नहीं रहेगा, तब ये सामान कैसे कहते वहां तक ताले नहीं लगेंगे मकानों, अगर अभी किसी से कहे तो कहते तो पागल हो गया, जहाँ ताला लगा तब तो चोरी हो जाती, ताला तोड़ देते लोग, ये कह रहे ताले नहीं लगे, लेकिन वो समय नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, वो नीति नहीं है, लोगों में भाव नहीं है, लोगों के कर्म नहीं है, लोगों का खान पान नहीं, लोगों का सोचना समझना उठना बैठना बोलना चलना अरे कुछ भी तो ठीक नहीं है, तो जब ठीक नहीं है तभी अब व्यवस्था ठीक हो जाए, ओके व्यवस्था हो जाएगी आपको कोई चिंता नहीं। अभी तो अगर तुम यहाँ झूला रख के वजन करने लगो कोई झूला उठा ले जाए तो तुम वजन करना बंद कर दोगे, ऐसे वजन से क्या लाभ, तो पहले व्यवस्था बनाई जाए तब वजन कराया जाए, इसलिए दूरदर्शी व्यवस्था को लाया गया कि पहले तुम्हारे समाज और परिवार देश में रहने वाली ये सारी व्यवस्था तुम्हारी ठीक, खाने की पीने की उठने की बैठने की काम की ये मानी सारी व्यवस्था जब ठीक हो जाएगी तो हर व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा सच्चाई ईमानदारी के साथ, तो बरकत बनी रहेगी,
और फिर आएगा तो बाल बच्चों की खिदमत सेवा करेगा और समय निकाल कर सुबह शाम यानी भजन करेगा, सब भजन करने लगे। तभी कहा हम सबसे भजन करा लेंगे, तो कराने का मतलब वो तो माहौल कराने का, जैसे माहौल आता कहते हैं भाई माहौल क्या करो, अब आदमी बिगड़ा तो माहौल से बिगड़ा, कहते क्या करें माहौल से बिगड़ा है भाई, हमको भी वैसा करना नहीं, ना चाहते हुए भी आप वो काम करते माहौल कराना। ये वातावरण इतना शुद्ध है कि ना चाहते हुए भी आप गलत काम करते, जैसे इस समय कोई काम करो कहते बड़े निस्बत के हो गए, जब तक उस पर नहीं लेगा काम नहीं करेगा, चलो भाई दे अपना काम, चलो दो अपना, अब सब लोग कहते चलो दो काम, चलो दो काम, तो उसका काम बनने लगा, जब काम बनने लगा वो समझता हमारा अच्छा काम तभी तो लोग दे रहे हैं, तो वो छोड़ता नहीं, अगर उसका विरोध किया जाए तब तो छोड़ देगा, लेकिन विरोध नहीं सहयोग किया, हम सब अपना काम बनाने के लिए कहते चलो भाई दो हटाओ काम बने, धीरे धीरे वो बेचारा आदि बने, उसको खराब तो हम ही लोग दे के कर रहे, लेकिन दुखे तो काम नहीं बन रहा बगैर खराब, अच्छाई से कोई काम नहीं, इतना माहौल वातावरण खराब हो गया कि अच्छाई सच्चाई से कोई काम, सब झूठ, कहते ये झूठ का युग है, झूठ का, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठे में, गोस्वामी महाराज ने कहा भाई ये समय ही झूठ का, इसमें सच्चाई बोलने वाला भी उसकी कोई नहीं मानेगा कोई सुनेगा। एक पंडित जी थे तो कथा वार्ता करते थे, तो कथा वार्ता करते थे तो मतलब यानी सच सत्य कथा, तो ये दिगे गांव में गए सत्य कथा किया और सुबह उठे बना जिसका मैदान गए और बिस्तर को ऐसे समेटा और सिराने की तरफ चले गए, और रात में एक वेश्या आई तो उसने अपना दुपट्टा उनके बिस्तर में छुपा दिया, अब वो आदमी उठता तो फट से बिस्तर ऐसे ही करता, ऐसे नहीं करता, उन्होंने समेट दिया और जब पूजा वूजा करके स्नान ध्यान किया तो बाद में वो वेश्या आ गई, कहने पैसे दो, अब गाँव वाले देख रहे हैं ये तो महात्मा जी है सत्यकथा कहती, इनके पास वेश्या कैसे आई, कहने लगा तुम कैसे आया, आए रात में हमारे कोठे पर गए थे और धोखे अगर तुम नहीं मानते हो तो हमारा दुपट्टा इनका है, इनके साथ धोखे में चला है, तो बिस्तर देखा गया तो निकला निकला तो वहाँ की जितनी पब्लिक सब गाली सत्यकथा कहता ये करता वो करता, तो बड़ा बेचारे अपमानित किए गए हमारे पीटे गए, तो वहाँ से चल रास्ते में कल जो फिर मिल गए काला महाराज अभी मानो हमारी भी कुछ कहो, तुम्हारी भी कुछ कहो, तुम सत्य सत्य मत को कुछ हमारी भी कहो, काला भाई हम ये नहीं हम सत्य कथा कहेंगे हम तुम्हारी जो करेंगे, चलो ठीक है। दूसरे गांव में सुनाई कथा और फिर वही सुबह तो रात में उ गई, उसने एक शराब की बोतल उनके सिर ने रख दी, पंडित जी उठे सुबह और बिस्तरे को बोल किया और चले गए समाधान और नहा धो के पूजा पाठ करने बैठे, तो पूजा पाठ खत्म हुई तो वेश्या आ गई, कहती भाई वो आप पैसे दे दीजिए, और कहे गए आप शराब पी थी और लेके आए, कहते काहे का पूछते, गाँव वाले कहते हैं कि पंडित शराब भी पीता है तो सत्यकथा कहता अच्छी अच्छी बातें बताता अपना शराब पीता, तो लोग फिर मारने पीटने लगे, भगा दिया उनसे, अभी डाले कहा कि नहीं मानते दे देखो इनकी सरहने बोतल रखी, वो तो पहले ही रख गई थी रात को, तो जब सराड़ा देखा बोतल निकल बहुत बार आगे चले तो रास्ते में कलयुग महाराज फिर कह रहे अरे पंडित जी अभी मानो हमारी भी कुछ कहो, हमारी भी कुछ कहो, सत्यकथा के अलावा हमारी कुछ कहो, क्योंकि हमारा देश है हमारी व्यवस्था हमारा शासन है, हमारे यहाँ रह रहे हो कहते तुम्हारी नहीं कही,
तो पंडित जी ने झूला झंडा और हिताब किताब रखी और हाथ जोड़ के खड़े, कहा से हम तुम्हारी ही कहें, सतत कहना बंद कर दूंगा, तुम्हारी ही कहें। सतत से ये झूठ कथा हो रही है, झूठ में फंसाने की, और झूठे झूठ सब गोस्वामी महाराज ने कह रहे भाई ये तो काल की नगरी है, और काल ने ये कहा कि झूठे लेना झूठे देना और झूठे भोजन झूठ चबेना, जो ये करेगा वो हमारा नहीं, उसको हम सम्मान देंगे इज्जत देंगे, जो झूठ बोलेगा उसे रिश्वत लेगा, सब जितने भी अनैतिक कार्य वो सब करेगा, कहा वो मेरा। अब आप देख लीजिए जब काल के जीव ये है तो दयाल के कितने बन पाएंगे, सबको काल नगरी में रहकर काल का सामान चाहिए, गैर काल के सामान के गुजारा नहीं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि मैं तुमको ऐसा बना दूंगा सिखा दूंगा कि तुम उसका सामान का प्रयोग भी कर लोगे और तुम फंसोगे। सत्संग वचनों के द्वारा परमार्थी सेवा कराकर और ये सुमरण ध्यान भजन में लगाकर तुमको ऐसा बना दिया जाएगा, तुम काल का सामान भी प्रयोग करोगे और उसके सामान में फंसोगे। ये युक्ति आपको मिल जाएगी और वही युक्ति आपके साथ प्रयोग की जा रही है। तो धीरे 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 जब आप सत्संग वचनों को सुनने लगोगे, अपने जीवन में उतारने लगोगे, सेवा में समय देने लगोगे, सेवा से क्या होता, जो शरीर इंद्रियों से आपने बुरा पाप कर्म किया तो सफाई की, रगड़ाई सफाई की, क्योंकि वो रगड़ाई सफाई तुम्हारे स्वार्थ की, यहाँ तो मिट्टी डालते हो कोई स्वार्थ आप, जो भी यहाँ सेवा करते हो उसमें कोई तुम्हारा स्वार्थ है नहीं, किया होगा झोला झंडा उठाया चलेगा, कोई मतलब नहीं रहता। जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थी नहीं प्रेमी उसी को परमार्थ कहते, और वो दूसरों के लिए दूसरे लाभ उठाए, ये परमार्थ की सेवा का नाम है। ये तो कोई नहीं करा रहा सृष्टि में, सब अपनी अपनी सेवा, अपना मान सम्मान सामान यानी अपनी धन दौलत इकट्ठा करने के सिवा कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ बिल्कुल दुनिया से अलग थला सेवा आपसे कराई जाती, और लाभ भी लोगों को मिला, तमाम तरह की बीमारी चली जाएंगी, अगर वो जाने वाला होगा तो आराम से धीरे से चला भी जाएगा, ये भी लाभ है। अगर वो पढ़ा रहे साल दो साल चार साल तो आप परेशान होते, पैसा भी खर्च होगा, सब लोग परेशान, अगर उसको भेज दिया जाए तो तुम्हारा सब बच जाएगा, लेकिन तुमको मेरे दया नहीं हुई। अरे उसी को दया कहते हैं जिसमें तुम्हारा कष्ट का निवारण हो। कल जो आया था प्रेमी परसों, मैंने कहा भाई जो खाए उसको खिला दो, उस समय उसे है नहीं उसका, चलो नहीं मानते भाई ये करो कुछ ना कुछ बता दो, उसको तसल्ली हो जाती। लेकिन वो यहाँ आश्रम पर था इसलिए बिल्कुल आराम से चला। कोई जो मरने में पीड़ा परेशानी तकलीफ होती वो नहीं, तो जंदूत आते मारते पीटते घसीटते वो नहीं, बड़े आराम से जीवात्मा निकल जाएगी और आपकी मार पीट बच गई तो कितना बड़ा लाभ होता। फिर यहीं पर आपने उसका दाह संस्कार किया, ये बहुत अच्छा किया, जहाँ शरीर छूटा वहीं करना ही चाहिए, फिर इससे पवित्र पावन स्थान कहाँ मिलेगा, यहाँ से तो सब तरफ का लाभ, इधर का भी लाभ उधर का, तो उसकी जीवात्मा का कल्याण हो गया केवल यहाँ आने में, तुम तो यहाँ रहते हो यहाँ सेवा करते, तुम्हारा नहीं होगा ये क्यों सोचते, तुम्हारा सबका होगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सब आदेश में लगे, कोई ना कोई आदेश का पालन करते हो, जो जिसके लायक सेवा सेवा कर रहे हो, लेकिन तुमको अपनी सेवा में तसल्ली नहीं होती, उसमें आपको शंका हो जाती। अरे जैसा जिसका कर्म वैसी उसकी सेवा, और उसी से इसका मतलब यानी बहुत कम खराब कर हुए तो छोटी मोटी सेवा दे दी, उसी से काम हो गया। तो आप अपनी सेवा का महत्व ये समझो कि हमारे कर्म कट रहे, कोई सेवा आप करते हो सब उसको, तो
कितनी तरह की सेवा, अरे मानो जमीन की जरूरत है, उन्हें बता दिया अरे भाई उनकी जमीन भी, और उसको बता दिया वो लेने वाले, तो ये भी सेवा भी होगी, ये भी सेवा भी, ये सब सेवा में ही जोड़ा जाता। कार्य भी कुछ नहीं कर सकते तो तुमने दिलाने का काम, फिर बाबा आपको दिला देंगे, से बात की से दोनों को मिला दिया, ये मिलाने की भी तो सेवा है। ऐसा नहीं सेवा कई कई, अच्छे काम को करने में कोई भी तुम्हारा यानी शरीर का अंग लग जाएगा वो सेवा मान्य होती। एक बार एक जगह सत्संग हो रहा था तो वो सत्संग लोग सुन रहे थे, जा रहे थे, एक पापी बेचारा, बड़ा पापी था, वो नहीं करता, इच्छा नहीं होती, तो रास्ते में खड़ा था तो जो लोग आ जा रहे थे पूछा अरे भाई ये बताओ यहाँ कहीं सत्संग होता, तो उसने ऐसे इशारा कर दिया उधर चले, तो इतने में उसको लाभ मिल गया। जब उसका शरीर छूटा तो लोगों को ऐसे कोई नदी वदी थी नहीं तो ऐसे वहां डाल दिया जाता, तो ये जो जंगली जानवर मांसाहारी वो एक शियार आया चारों तरफ घूमा उसकी और उसकी केवल उंगली काटी और काट के खा के चला गया। बाद में पूछा गया महात्मा ने कहा रे भाई जितने उसने शरीर से जवानी से काम किया वो अंग पवित्र था, उतना अंग जैसे इशारा किया था ऐसे बस उतना वो पवित्र था, तो खा लिया बस। तो पवित्रता तो ऐसे आती है शरीर, और तुम तो पूरे शरीर से सेवाएं कर रहे हो, मतलब यानी सारा परमार्थ का काम कर रहे हो, लोगों को जगाने चिताने का, अच्छे रास्ते पर रखा करने का, अच्छाई क्रम मोड़ने का ये काम कर रहे हो, तुम्हारा पूरा शरीर है उसी में लगा, तुम्हारा तो पाकिस्तान निर्मल हो ही जाएगा। कैसे कराया जा रहा, कितनी सरल युक्ति उसको देखूंगा, जो कोई न कराया किसी ने कभी, न करा रहा न कोई करा सकता, ये सबसे बड़ी चीज और आपके साथ हो रहा, और आप रोज कर रहे हो सेवा, लेकिन आपको कोई लगाव नहीं, इतना पसीना बहाओगे उतनी बीमारी निकल जाए, सब लाभ ही लाभ है, यहाँ सेवा का कोई नुकसान सब तरह का। पहले के जो पाप कर्म इकट्ठे उनमें भी कटौती हो जाएगी, कम हो जाएंगे, आपने सरल कर दिया जाएगा कि आप बर्दाश्त कर सकोगे, नहीं तो ऐसे ऐसे जालिम कर्म करके हम आप बैठे हैं कि एक ही कर्म का अगर हिसाब कर दिया जाए उसी में चले जाओ, उसी में नहीं बचो, यहाँ सारे कर्मों को धीरे धीरे यानी खत्म कराया जा रहा, अब आपको जिंदा भी रखा, आप भी नहीं रहेंगे तो करेगा, जब तक करोगे नहीं तब तक तुम्हारे खत्म कैसे हो, तो तुम्हें जिंदा रखा जाएगा अपने कर्मों को काटने के। देखो कितना बड़ा काम, तुम्हारा कर्म तो ऐसा है कि एक ही कर्म तुम शरीर छोड़, एक प्रेत आत्मा तुमको तुम्हारे शरीर को लेके चली जाए, इसलिए आपसे कहा धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको परेशान किया तभी आया, ऐसे नहीं आता, बिना किए का नहीं मिलता, जो जो आपने किया है उसी का निपटारा इस दरबार में हो रहा तो सहूलियत है, वो तुमको तो बेकार कर दे, वो इतना मारे इतना पीटे घसीटे कि तुम्हारे शरीर की दुर्गति हो, लेकिन यहाँ पर आता है कहता हाँ चले जाएंगे लेकिन कुछ दिन रहेंगे। उससे पूछा गया कि भाई तुम इनके यहाँ क्यों आए, कलर देखो और तो हमारे जैसे खाने पीने वाले, उनके यहाँ जाने से हमें क्या मिलेगा, मैं सत्संगियों के घर इसलिए आता हूँ, ये सत्संग में आएंगे वो भी साथ में आएंगे, हम भी सत्संग सुनेंगे, हम भी परिक्रमा कर अपनी मुक्ति बना लेंगे, अपनी योनि को बदल लेंगे, तो जिंदगी परिक्रमा यहाँ करेंगे, यहाँ सत्संग सुनेंगे, भंडारे का शुद्ध प्रसाद खाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे बदलाव आ जाएगा, इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ता। अब यहाँ लोग कह रहे हैं हम सत्संगी हमारे यहाँ भूत क्यों आ गए, तुम्हारे यहाँ नहीं तो वो कहाँ जाएगा, और कहा उसको भी तो शांति चाहिए, उसको भी शांति चाहिए,
शांति पाने के लिए तुम्हारे घर आया कि तुम सत्संग में जाओगे, तो कहा मैं भी इनके साथ चला जाऊं, मैं भी सत्संग सुनूंगा, मैं भी दर्शन करूंगा, मुझको भी जब स्पर्श करेंगे तो मुझको भी लाभ मिलेगा, झंडे की परिक्रमा करेंगे हमारी योनि बदल जाएगी। तो जिसको जहां लाभ मिलता वहां कहां छोड़ता, वो लाभ पाने के लिए आया। और आप समझ रहे हो कि मैं कष्ट दे रहा, तुमने कष्ट दिया है तब वो अपना बदला चुका रहा, और वो भी बहुत थोड़ा करके चुका रहा, नहीं इतना मारता पीटता घसीटता तुम्हारी दुर्गति हो जाती। तो यहां तो आप पहुंच गए, अब आपने किया तो धीरे धीरे चला जाएगा जब पूरा हो जाए, और यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा आपको विशेष। अब लोग देखो यहाँ ऊपर रहता हमेशा, तो यहाँ सेवा करते सब कुछ कहते, यहाँ कुछ नहीं घर जाते फिर परेशान हो जाते। तो भाई घर तुम्हारा कोई आश्रम थोड़ी है, घर तुम्हारा कोई पवित्र भूमि थोड़ी है, तो वो तो उनकी भूमि है ही, वो तो वहां जरूर रहेंगे, या वो रह नहीं पाएंगे और रहेंगे तो आपको परेशान होंगे, वो अपना उद्धार करेंगे धीरे धीरे। शरीर चाहिए सबको उद्धार के लिए, तो तुम्हारे शरीर पर आते, इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको लाभ नहीं, संत दरबार में लाभ ही लाभ, लेकिन तुम्हारे पास इतना ढेर है पूरे कर्मों का, तो लाभ दिखाई नहीं दे कि कहाँ से लाभ दिया जा रहा कहाँ से। अरे तुम सहूलियत से रह रहे हो, संभाल में रह रहे हो, सुरक्षा में ये कम है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाता, क्योंकि तुमने किया है और किए का वो भोग तुम्हारे पर है, लेकिन दरबार में धीरे धीरे अदा करा दिया, ये सेवा कर लो इससे हो जाए, ये सेवा कर लो। तो बाप आपको ये अपनी जमीन हो गई नीचे, तो इसको साफ कर, मैंने कल कहा था सुबह जंदीप की, ये तो वजन से बढ़के है, जब सेवा करोगे तो वो साफ हो जाएगी, तुम्हारे कितने लोग बैठ के वजन करेंगे, तो तुमको तो बिना किए वजन का लाभ मिल जाएगा, आपने जगह बना दी, जो भी आप कर रहे हो बना रहे हो प्रेमियों की, और प्रेमी भजन करेंगे तो तुमको बिना किए मिल जाएगा। ऐसे ऐसे एक दूसरे को भजन का लाभ ट्रांसफर करा दिया जाता है, और तुम समझ नहीं पाते हो, तुम सेवा से जी चुराते हो, सेवा को छोटा बड़ा समझते हो, ये छोटी सेवा आपको बड़ी सेवा चाहिए, सेवा कोई छोटी नहीं, जैसा जिसका कर्म वैसी उसकी सेवा दी जाती है, और उसी से कर्म को, ये कर्म को निपटारा कराने का तरीका सेवा, ये तो क्या जरूरत है, कोई अच्छी जमीन ले ली जाए कुछ नहीं सेवा होती, तो इसलिए हम सब उबड़ खाबड़ जमीन लेते ताकि आपको सेवा सेवा मिल जाए, और उस सेवा से आपका भजन बन जाए, सेवा ही भजन है, आदेश पालन ही भजन है। अभी आपने समझा कहा, तुम समझते हो आप कान बंद करे मालक वही है भजन, अरे असली भजन तो ये है, भजन करने वालों के लिए आप व्यवस्था बना रहे हो, ये सच्चा भजन का तरीका, तुम्हारी बनाई व्यवस्था में लाखों लोग बैठ के भजन सुमरण ध्यान करेंगे, वो लाभ आपको मिल जाएगा, भजन तो पर आप नहीं बैठ सकते एक घंटा, लेकिन दो घंटे सेवा कर सकते, जब करना तरीका बदल दिया, तो आप ये मत समझो कि तुम्हारा कोई काम नहीं, ये चिंता मत करो, सबका काम होगा सब घर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, नहीं तो जवाब पूछा जाएगा आपसे, जब तुम ले नहीं जा सकते थे तो नामदान क्यों दिया, तुम्हारे में ले जाने की ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी, तो नामदान क्यों दिया, ये सवाल भी तो होने लगे। तो जिसने वादा किया है वो अपना वादा पूरा करे, अब तुम करते नहीं हो तो समय लग रहा, कोई काम कर नहीं करते, सेवा करते हम थक जाते, हमसे होती नहीं, भजन कहते हमारा मन नहीं रहता, कहते सत्संग को याद नहीं रहता, जब तुम तीन में से कोई काम नहीं करोगे तो मजदूरी कैसे मिल जाएगी, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसी करने के लिए ये बार बार प्रयास किया जा रहा,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाते, ये गोरी रोज खा जाता लेकिन मतलब नहीं समझते। जब तक एक कहना मानोगे नहीं तब तक कहने का कोई लाभ नहीं, लाभ आपको नहीं मिला। अब अच्छे सच्चे काम के लिए आपको खड़ा किया गया, जो काम तुम कर रहे हो कोई नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में जब जो तुम कर रहे हो कोई नहीं कर रहा, तो आपको तो लाभ मिलेगा, ये का लाभ तो आपको दिया जाएगा, तो थोड़ी लाभ भी कटौती हो जाए। थोड़ा सा ये काम जल्दी से इसको साफ कर लो तो झंडा गाड़ दिया जाए, लोग आएंगे परिक्रमा करेंगे, कितने लोगों के भूत भूत उतर जाएंगे, कितने की बीमारी कम हो जाएगी, ये तो सेवा सबसे महत्वपूर्ण है और इसे सबको करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करो ये सब हो जाए, इतने लोग हो अगर सब यही हो जाओ। जो उधर कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तो उनको छोड़कर बाकी कोई सेवा नहीं आती, ये सेवा करो और इनको भोजन वहां से ले आओ नाश्ता और यही करा दो, वो नीम के नीचे वही करा दीजिए आप, क्योंकि आपकी बोरिंग लग गई वहां पानी की सुविधा है, तो चाहते जितनी जल्दी उसको साफ कर दो तो वहां पे लोग ठहरेंगे, पानी आने की व्यवस्था वहां पर ठहरेंगे, धीरे धीरे उधर से इधर जब बन जाएगा तो सब इधर बने, उधर नहीं इधर सब, इधर एक छाया का प्रयोग हो जाएगा, छाया में बैठ कर सब लोग सत्संग सुनेंगे। ये तो चीज बहुत बड़ी, और तमाम खर्चे ये सीलिंग फिलिंग लगाते फिर भी छाया नहीं बनती, ये तो प्राकृतिक छाया जो आपने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी, ये आपने खरीदी ऐसे छाया थोड़ी मिली, ये आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, मेरा तो कुछ है नहीं और तो मैंने कुछ किया नहीं, करने वाले आप लोग हो, देने वाले आप लोग हो, तो आपके लिए व्यवस्था बन गई, लेकिन इसका भाई सदुपयोग अब थोड़ी तुम्हारा तो क्या बिगाड़ो, तो इसका सदुपयोग करो, कहीं पानी डालना है, कहीं निराई करना है, घास रख करना है, तो ये समझ कर कि हमारी सेवा इसमें लगी है, लिया जाए हमारी व्यवस्था हमारे लिए, तो हम अपना काम करेंगे। जब अपना समझ के करोगे तब तुमको इसका लाभ, ये किसी दूसरे का नहीं तुम्हारा, ये दयाल बाग प्रेमियों का, इसमें लिखा हम सब का दयाल, किसी एक का नहीं, हम सब जितने आए हैं आएंगे उन सब का ही, सबको यहाँ से दया मिलेगी, इसलिए इसको तो हमें आपको अच्छा बनाना ही, और जगह मिल जाए थोड़ा वहां पर रोड कर पेड़ लगा दो, विस्तार कर दो, ये दयाल बाग का विस्तार हो, जहाँ जहाँ जमीन मिलती जाएगी तब आप पेड़ पौधे लगाते चले, ताकि इतना ही बड़ा सत्संग होगा, इतने लोग आ जाएंगे, सब छाया में बैठे यहाँ, कोई खेती बाड़ी करने आप थोड़ी आए, लेकिन अपने खाने के लिए तो आपको बनाना, किसी का ना खाओ, सबका खाना बंद हो जाए और अपनी कमाई का खाओ, देखो वजन में तरक्की कितनी होती, इसलिए जमीन बनाई जा रही कि अपना साधन अपने भोजन का सब्जी का दालों का ये व्यवस्था अपनी खुद बना लो, अपना करो अपना खाओ, किसी का कोई कर्जा नहीं, तो व्यवस्था तो आपके लिए बनाई जा, और इसलिए आपने भूमि सेवा के लिए कहा गया कि भाई भूमि ले लो और वो भूमि तुम्हारे भी काम आए और तुम्हारे बाद तुम्हारे बाल बच्चे आते जाते रहेंगे या जो भी दुनिया के लोग आएंगे और सब उसका लाभ उठाएंगे, ये बेची नहीं जाएगी, इसको कोई ना खरीद सकता ना कोई बेच सकता, ऐसी व्यवस्था बनी कोई बेच नहीं सकता, अभी मत समझो इसका कहीं तुम्हारा नुकसान, क्योंकि ये सब व्यवस्था में है
केवल में तो देख रेख, देख रेख में कोई गड़बड़ी नहीं, और जो सेवा देते उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। अगर कोई करेगा तो भोगेगा, उसका भोग बड़ा खराब है। इसलिए भूलकर भी किसी की सेवा का दुरुपयोग मत, अपने निजी खर्चे में मत लेना। जरूरत पड़े तो मांग लो, आपको जो आप सेवा कर रहे हो आपको दे दिया जाए। अगर आप अपनी तरफ से लगा रहे हो तो तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ जाएगा, अगर यहाँ से लोगे तो तुम्हारे खर्चे में आ जाएगा। खर्चा और परमार्थ अलग, ये परमार्थ बनाना चाहते हो अगर स्थिति तुम्हारी अच्छी तो आपको अपना लगाना चाहिए। जब सबका लेते हो सबका लगाते हो तो अपना क्यों नहीं लगाते? तो अपना ये लगाओगे तुम्हें मिलेगा, जिसका लगाओगे वो तो लाभ उसको मिलेगा। इतने अपना भी लगाने की कोशिश, और जो प्रेमी यहीं के सेवा 24 घंटे करते उनको अधिकार है कि यहाँ से वो ले सकते, उनको दे दिया जाएगा और काम करते रहे। कहीं तुम दूसरी जगह मजदूरी करोगे तो पैसा हमसे ले लो, अपना काम करो तो अपने तौर तरीके से करोगे, ये आपकी सेवा हो जाएगी। मान लो एक महीने आपने की तो दो चार दिन आपने सेवा कर ली और बाकी आपने पैसा ले लिया तो बाल बच्चों के लिए हो गया, ये कोई गलत नहीं है तो अच्छा। हमको अगर अपने ही लोग से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अपने लोग अपने हिसाब से करेंगे, वो दिन रात समय नहीं देखेंगे, उसमें वैली काम करेंगे, और मजदूर तो फिर मजदूर ही होता। तो यहाँ मजदूरों से काम नहीं, अपनों से, अपने लोग अपना काम कर लो ज्यादा अच्छा। मजदूरों से कराओगे तो फिर आपकी क्या सेवा रहेगी? इतने ऐसा काम यहाँ नहीं सोचा, सब अपने लोग, और तुमने उतनी सेवा की क्या मजदूर कर सकते थे? जो मिट्टी चीले तुमने इतने बड़े बड़े, उसमें तो करोड़ों रुपए लग जाता, फिर भी नहीं। काम तो तुम्हारा दिखाई दे रहा, अच्छा नहीं, इसे कोई बुला नहीं सकता। जो आएगा वो देखेगा, ये बुलाने वाली चीज नहीं है, और ये प्रसारण की भी चीज नहीं कि कोई हमारा प्रसारण करे। हम इसके भी चक्कर, हम अपना काम स्वयं करने के लिए सक्षम, हमको किसी की जरूरत नहीं। कोई मीडिया है, कोई पत्रकार है, कोई इधर उधर, हमको इनकी जरूरत। ये अगर समझते कि देश समाज के हित में काम हो रहा तो आप उसको निकाल सकते। आपकी नहीं समझ में आया तो मत निकालो, हमको समझाने की जरूरत भी आपको नहीं। मुझे जो कुछ कहना था सब मैंने 10 वर्षों में कह दिया, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको बता दिया। अब बार बार दोहराने की क्या मत, अब तो कोई छुटपुट कार्यक्रम करूँगा, बाकी सब समय आश्रम पर। अब धीरे धीरे आश्रम का विस्तार हुआ, क्योंकि सबको सुनाया बताया गया, अब सब जाग गए, वो लोग आएंगे यहाँ, तो जो आपने उनको जगाया है तो बनाने की जगह भी तो बैठने की बना हुआ, बैठा लोगे कहाँ? कैसे जगह भी छोड़ते रहो, करोड़ों लोग जा गए इस काफिले से साइकिल आता, और उधर आप 2 महीने रहे बिहार घर, 65 दिन उधर, 39 दिन उधर। आपने ये जो काम किया इसमें करोड़ों का जागरण हुआ, अभी करोड़ों लोगों को बैठने की जगह आपके पास नहीं है, आपके पास जगह की कमी। इसलिए ये उबर खबर जमीन जो किसी काम की नहीं, तुम्हारे काम की हो जाए, उसको काम के यानी अनुसार आप बना दोगे। आप तो बनाना जानते हो, आप उसको बना लोगे, अपने काम आएगी और प्रेमियों सबके काम आएगी, क्योंकि तो जागरण भारी बात। और धीरे धीरे अब तो बिना जगाए लोग आए, अब ये संदेश हो रहा, इसको आप उधर भेज रहे हो तो क्या इससे तो अखवाती बैठ के सुन रहा, धीरे सुनेगा फिर वो संपर्क करने की कोशिश करेगा, चलो भाई संपर्क करिए कौन है क्या है, तो यहाँ आने लगे। जब यहाँ आने लगेगा उसको सच्चाई सब मिल जाएगी, सब सच्चाई। यहाँ तो बिल्कुल नजरअंदाज है, यहाँ कोई पर्दा बोल पर हम है ही नहीं कि किसी चीज पर पर्दा रखा गया, सब आपको बता दें और आपके अनुसार ही काम सब करा करा के दिखा दिया गया। अब किसी बात के यहाँ कोई काम चोरी करें, तो मैं किसी को पर्दा नहीं रखता, उसको आपको बता दें। जो जवाब देते हो उसी से काम हो रहा, और जो दे रहे हो वो भी आपका लग रहा, क्योंकि काम तो बराबर चलता रहता, खर्च बराबर होता रहता, लेकिन ये खर्च आपका
किसी गलत काम, अच्छे काम में है, आपके काम आ रहा, अब आपके बाद और लोग आएंगे उसके काम आ रहे, यही तो परमार्थी भाग है। तो आपने जो काम किया कर रहे हो, धीरे 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 करते रहोगे, आपका ये विस्तार होता रहेगा, एक दिन सारी दुनिया बिना बताए जान जाएगी, क्योंकि ये काम कोई कर ही नहीं रहा, किसी को इस तरफ तो ध्यान ही नहीं, वो तो अपनी अपनी मस्ती में अपना अपना विस्तार करने में जुटे पड़े, और यहाँ जीवों का विस्तार उनके लिए किया जा रहा, बहुत अंतर है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये सब लोग जान जाएंगे कि अब प्रभु ने अपना काम चुना, प्रभु के काम को कौन रोक सकता, कितना लोगों ने प्रयास किया रोकने का, जगह जगह आपको सब अनुभव करा दिया गया, ये जो 11 जिलों का भ्रमण किया गया था उसमें कितनी आपत्तियां, कितनी अटकले, लेकिन कुछ सब मैदान साफ, और आपका काम सत्य काम की एक पहचान कि जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सत्य कभी पराजित होता ही नहीं, वो बनुआ आपको मिल गया। अभी आप मिर्जापुर का सत्संग था तो लोगों को नहीं अच्छा लगा, तो ये जाने इनका काम जाने भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैंने अपना काम, मैंने तुरंत स्थान बदल दिया और दूसरी जगह हो गया, वहां भी जो इन लोगों ने प्रयास तो पूरा किया, लेकिन उपरांत धरा का सारा रह गया, मैंने सत्संग भी किया, प्रेमियों ने पूजा भी की, और तीन जो साधियों का मूर्त था वो भी, और सब प्रेमियों का दर्शन, एक एक का कोई बाकी नहीं रहा, तो हमारा तो काम हो गया, पर वही हम संदेश 5 दिन देते, हमने एक ही दिन में दी, एक ही दिन में सब काम हो गया, तो काम करने का तरीका होता है, अगर काम में सच्चाई है, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, कोई ना कोई माहौल वातावरण ऐसा बन जाएगा कि आपका काम सब बनता, तो सोनभद्र का तो आप पूरा हो गया, ऐसा नहीं हुआ कुछ, वहां सब हुआ, सत्संग भी हुआ और पूजा भी की और दर्शन भी हुआ और शादियां भी, और करना ही क्या था, अब ये जरूर है जो मैं 5 दिन सुनाता वो एक ही दिन आपको सुना, एक ही दिन सब इशारा कर दिया, और वैसे तो आप हर जगह सुन ही चुके, कोई नया तो काम अभी है नहीं, ना कभी होना भी नया, इतने पुरानी जानकारी तो तुम भूल गए, उसी को बार बार याद कराया जाता है, तो पुरानी जानकारी याद रखोगे तो तुम्हारे अंदर नए काम करने की शक्ति बनी रहेगी, तेरे तो काम हम कर चुके, तो आपको सेटर नहीं लगे, काम आप ले लोगे। जय गुरुदेव, अब आप लोग चलो सेवा में, देखो धूप मत, देखो तपस्या है, तपस्या कर लो, अरे यही तपस्या तो तुम्हारे काम आएगी, इसी को लोग देखेंगे, ताजुब करेंगे कि ऐसी धूप में लोग कैसे परमात्मा सेवा दे, समय आपको चूकना नहीं चाहिए, ये तपस्या का समय है, इतने भी कर्म कट जाएंगे, इतना ज्यादा पसीना निकलेगा, उतनी बीमारी खत्म हो जाएगी, सब लाभ ही लाभ, अभी आप डर जाओगे तो आगे कैसे काम दो, चले तूफान आया आंधी, उन्हीं से होड़ लेना है, चला कर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना, आपका तो काम है धूप सुख क्या कुछ, जब लग जाओगे करने लगोगे तो दया में कुछ नहीं दिखाई देगी, दूर रहो, सब लोग जुट जाओ उसके साथ, शाम को मिलूंगा आपको साथ।
दान तो रोजी आपको देते ताकि तुम्हारे अंदर काम में सुस्ती ना आने पाए। कोई नई ताकत प्रसाद देता सबको मिलेगा। आप सेवा करो और शाम को शाम की सेवा करके बातें बता ले शाम के लिए वहां रोशनी का प्रबंध कर थोड़ा देर तक सेवा चल जाएगी क्योंकि उधर ठंडे की धूप नहीं रहेगी काम जल्दी हो जाएगा। उधर व्यवस्था कर और अभी आप उसको धीरे से कटाई कर दो और शाम को सफाई मैदान को साफ हो। कुछ लोग तो फूस को इकट्ठा करते जाओ ये काम आएगा अभी छप्पर पर बन जाएगा इसको फेंकना नहीं तो प्रेमी को नहीं काट सकते हैं पूरे व्रत है तो फूस को संभाल के इकट्ठे छोटे छोटे इकट्ठे बना के एक जगह उसको रख दीजिए अभी आपके काम आएगा। उसके पास बात गली बहुत पड़ी है तो ऐसा छप्पर वहाँ पर छा दिए जाएंगे तो जो 15 अगस्त को भारी भीड़ होगी उसमें प्रेमियों को रहने की जगह बनी। जो लोग खुदाई नहीं कर सकते कमजोर है वृद्ध है महिलाएं केवल ये काम जो खुद पड़ा उसको इकट्ठा कर मैं अभी आऊंगा देखूंगा आप किस तरह से अब तो सफाई भी हो जाएगी और ये पुरुष आपके काम भी आ जाए और सफाई आपको करना बड़े से खोते जाओ और उसको बराबर मिट्टी कर मिट्टी झाड़ लो जो आप थूक खोदोगे उसमें तमाम मिट्टी रह जाती उसको झाड़ लो तो हल्का हो जाएगा उठाने में सुविधा होगी और मिट्टी अपनी वहाँ पड़ जाएगी। तो कुछ लोग जो बूढ़े बुजुर्ग है ये मोटा सा डंडा ले ले तो मिट्टी झाड़ते और झाड़ झाड़ कर एक जगह उसको पहले तो आप काट लो हसिया से तो वो काम आ जाए इसके बाद खोद करके अनाज रख दो तो जलाने का हो जाए। ये सब काम में आने वाली चीज है आप चलिए सब मैं भी अभी आऊंगा देखूंगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। Yeah.